आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। क्या करते हो तुम लोग, क्या करते हो? सुन मेरी बात, पहले मरते दम तक लेके जाऊंगा वो लड़की के यहाँ से, मरते दम तक लेके जाऊंगा, मांग फराक भी लेके जाऊंगा उसी के हाथ से। सुन मेरी बात, सुन, आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ। वादों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं डरता नहीं हूँ, याद रखना। आशिक हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबके दिलों में शामिल भी हूँ, मैं लड़की की मांग भर कर उसे यहाँ से ले जाऊंगा। ये डायलॉग दूल्हे ने जयमाला स्टेज पर बोला। इस पर दुल्हन पक्ष के साथ ही वहाँ मौजूद हर शख्स के होश उड़ गए। पहले तो लोगों को लगा कि दूल्हे ने फिल्म स्टाइल में एंट्री ली है, लेकिन डायलॉग के साथ ही दूल्हे की हरकतें देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस भी बुलानी पड़ी। दरअसल यह अजीबोगरीब मामला है उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का। यहाँ की थाना गोपागंज क्षेत्र के दोस्तपुरा मोहल्ले में आजमगढ़ जनपद के फूलपुरा तहसील क्षेत्र के बुटाई पारा से बारात आई थी। लड़की वालों ने धूमधाम से आई इस बारात का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जयमाला की तैयारियां होने लगी, तभी दूल्हा स्टेज पर पहुंचा और फिल्मी डायलॉग बोलने लगा। इस पर लोग हैरान रह गए। काफी समझाने के बाद भी दूल्हा नहीं माना और इसके बाद लोगों को समझ आ गया कि दूल्हे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो जबरदस्ती शादी करके यहां से दुल्हन को ले जाने की जिद पर अड़ा हुआ था। लोगों ने काफी समझाया, उसने किसी की बात नहीं मानी। इस पर लड़की के पिता ने इस बारे में पुलिस को सूचना दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस दूल्हे को अपने साथ थाने ले गई। इस बीच लड़की के पिता और रिश्तेदारों ने फैसला कर लिया कि इस लड़के से वो अब अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। पुलिस ने लड़की के परिवार वालों को शादी में हुए खर्च को लड़के वालों से दिलाने का भरोसा दिलाया है। लड़की के पिता ने बताया कि जयमाला की रस्म के बीच ही लड़के ने ये अजीबोगरीब काम किया। इसके बाद वो गलत हरकतें करने लगा। 3 घंटे तक लोगों के समझाने के बाद भी वो नहीं माना, इस पर उन्हें पुलिस बुलानी पड़ी। इस दौरान वो पुलिस के सामने स्टेज पर चढ़कर पागलों जैसी हरकतें लगातार किए जा रहा था। शादी में मौजूद लड़की के चाचा ने बताया कि लड़के ने रस्म के दौरान जयमाला को हाथ तक नहीं लगाया। उसकी हरकतों को देखकर पहले लोगों ने सोचा कि वो बीमार होगा। इस पर उसे पानी पिलाया गया और समझाया गया, लेकिन वो समझने के बजाय लोगों को गंदी गंदी गालियां देने लगा। दूल्हे की ऐसी अजीबोगरीब हरकतों को देख दुल्हन भी घबरा गई और फिर उसने ऐसे दूल्हे के साथ शादी करने से साफ इनकार कर दिया।